हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिकोलन प्रिडिक्शन में। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो सेकंड T20I का मुकाबला खेला जाएगा, इसके बारे में है। देखो, इंडिया की टीम जो पहला T20I का मुकाबला था, ये कह सकते हैं बहुत आसानी से विन कर ली है। तो बांग्लादेश के लिए ये डू और डाई की सिचुएशन रहने वाली है। अगर बांग्लादेश की टीम इस मैच को हारती है तो सीरीज गंवा देगी। तो क्या बांग्लादेश की टीम वापसी कर पाएगी? कर सकती है, ठीक है। अंडर एस्टिमेट मत करना, क्रिकेट होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। तो अगर बांग्लादेश की टीम वापसी करेगी तो इनके तरफ से ऐसे कौन से 11 खिलाड़ी हो सकते हैं जो कि आप लोगों को, मतलब 11 में से कम दो तीन खिलाड़ियों को तो परफॉर्मेंस आ सकता है। तो स्मॉल लीग में किसको पिक करके चलना है, ग्रैंड लीग में किसको पिक करके चलना है, इंडिया की तरफ से कौन से गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, A to Z सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया टीम की, क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है विथ रिसेंट फॉर्म। वुमेन्स का मैच चल रहा है तो W भी यहाँ पे लग गया, W को इग्नोर कीजिए, बाकी डिटेल्स की बात करते हैं। तो अभिषेक शर्मा के साथ आप लोगों को संजू सैमसन ओपन करते हुए दिख जाएंगे। शर्मा की बात करते हैं, रोहित शर्मा को तो अभी ये रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लग नहीं रहा है। बाकी देखते हैं, 16 इन्होंने पिछले मैच में किया। बाकी देखो, ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, नंबर्स ऑफ बॉलर्स काउंट करना पड़ेगा, उसके बेस पे मैं आपको बता पाऊंगा बॉलिंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे। वैसे अच्छे खिलाड़ी हैं, फॉर्म भी ठीक ठाक सही है। संजू सैमसन बिकॉज विकेट कीपिंग करेंगे तो इनके पास डबल एडवांटेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिछले मैच में 29 करके आ रहे हैं, इनका वही है, एक मैच में चलेंगे, चार मैच में फ्लॉप होंगे, फिर हम लोग सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर संजू खेला जाएगा, ठीक है। हाँ, सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं, टीम के कैप्टन है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, इनफैक्ट CVC अगर चाहो तो करके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी पिछले मैच में खेले थे, 16 रन इन्होंने किया था, प्लस 2 ओवर की इन्होंने बॉलिंग की थी, कोई विकेट मिला नहीं था उससे पहले। आप लोग इनका IPL वगैरह का परफॉर्मेंस देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पर बहुत अच्छा फॉर्म था। हार्दिक पांडे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, एक अपर शॉट इन्होंने खेला था, या फिर कह सकते हो भाई क्या शॉट खेला था, मतलब नो लुक शॉट भी उसको कह सकते हो, मार के भाई फुल्ली कॉन्फिडेंट में था, गेंद को भी नहीं देखा कि गेंद जा कौन सी डायरेक्शन में रही है, लाजवाब खिलाड़ी है। इनफैक्ट चाहो तो आप इनको CVC करके चल सकते हो। रियान पराग की बात करते हैं, राइट हैंड बैटिंग करेंगे, पिछले मैच में मौका ही नहीं आया इनका। बाकी रिंकू सिंह फर्स्ट इनिंग के बैट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेजिंग में ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि सामने वाली टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आई थिंक इनकी बैटिंग ही ना आए। वाशिंगटन सुंदर इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको देखो पिछले मैच में तो ओवर कटा था इनका, जो कि ऊपर में मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे इनका ओवर नीतीश कुमार रेड्डी ने फेंका था, मतलब डिवाइड हुआ था, लेकिन ये आपको 4 ओवर की प्रॉपर बॉलिंग कर सकते हैं और फॉर्म इनका बहुत अच्छा है, कंटिन्यूसली हर मैच में 1-2 विकेट ये निकाल देते हैं। वरुण चक्रवर्ती लाजवाब परफॉर्मेंस था, 3 विकेट इन्होंने निकाला था। बाकी मयंक यादव जो कि डेब्यू कर रहे थे और बहुत तेज गति की बॉलिंग करते हैं, आप लोगों ने लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से IPL में इनको खेलते हुए देखा होगा, उसी के बेस पे यहाँ पे इंटरनेशनल में इनका चयन किया गया है। अर्षदीप सिंह पिछले मैच में अपने कैप्टन थे, भाई अभी मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगा मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ, अभी आप लोगों को बताऊंगा। अल्ट्रा क्लीन स्वीप हम लोगों ने किया था और बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस था, 3 विकेट इन्होंने निकाला था। चलो चलते हैं दूसरे साइड, बात करते हैं यहाँ से बांग्लादेश टीम की। तो आप लोगों को परवेज हुसैन के साथ लिटन दास ओपन करते हुए दिख जाएंगे, दोनों ही फ्लॉप हैं, ज़्यादा कोई अच्छा फॉर्म भी नहीं है, GL में ही दोनों को ट्राई करना। लिटन दास इनफैक्ट चाहो तो स्मॉल लीग में जगह देना चाहो दे सकते हो, अदरवाइज देखो GL वाले ही खिलाड़ी हैं। बाकी नजमुल हसन सैंटो, जनरली मैं इनको देखता हूँ जब जब बैटिंग आती है, ये जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ये अच्छे से भुनाते हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, आप इनको स्मॉल लीग में भी कंसीडर करके चल सकते हो। बाकी तो ही धरे दो है, देखो ये भी खिलाड़ी मैं जनरली देखता हूँ भाई, जब जब इनकी बैटिंग आती है बहुत बड़ा नहीं तो 20-25-30 के बीच में आप लोगों को स्कोरिंग करके दे सकते हैं। मोहम्मदुल्ला एज अ बैटर खेले थे, बॉलिंग इनसे नहीं करवाई गई थी, बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है भाई, 14-15 सालों से खेलते हैं, बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बॉलिंग भी करते हैं। बाकी दोनों पारी में वैसे अगर आप चाहो तो टीम में ले सकते हो क्योंकि इनके वैसे ऊपरी बैटिंग क्रम में दम नहीं है, तो बैटिंग आपको करके दे सकते हैं ये मिडिल ऑर्डर में भी। जाकिर अली ग्रैंड लीग वाले खिलाड़ी हैं, मेहदी हसन इंपॉर्टेंट ये है, स्मॉल लीग में भी लेके चलना है, राइट हैंड बैटिंग, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करेंगे, पिछले मैच में 35 रन बॉलिंग से 1 विकेट। रिशाद हुसैन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, भले देखो पिछले मैच में विकेट लेस गए हों और राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, बैटिंग गजब ये हिटिंग करते हैं, प्लस ये बॉलिंग से भी विकेट मार सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इनको टीम में लेके चलना है, वर्ल्ड कप में आप लोगों ने इनका परफॉर्मेंस देखा होगा। तास्कीन अहमद फर्स्ट इनिंग के बॉल में इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, सेम शरफुल इस्लाम फर्स्ट इनिंग के बॉल में मस्ट विक वाले खिलाड़ी हैं और सेम मुस्तफिजुर रहमान, तो ये इनके जो तीनों पेसर है ना, अगर बांग्लादेश की टीम फर्स्ट बॉल करे तो हो सकता है मैं तीनों को अपनी टीम में ट्राई कर लूँ। बाकी जो भी खिलाड़ी बेंच से हैं आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, हर्षित राणा वगैरह इंडिया की तरफ से, तिलक वर्मा हो गए, बाकी इधर से तंजीद हसन शाकिब हो गए, और तंजीद हसन हो गए, रकीबुल हसन हो गए, मेहदी हसन हो गए, जितने हसन हैं सारे बेंच पे हैं।
हाँ मैच डिटेल की बात करते हैं तो सेकंड T20I मुकाबला 9 अक्टूबर 7 बजे शाम को आप लोगों को अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में होता हुआ दिख जाएगा, जो कि देखो बैटिंग विकेट रहने वाली है, प्लस जो तेज गति के बॉलर्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, बारिश के चांस यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे देखो ओवरऑल एशिया में बात किया जाए तो अक्टूबर का मंथ चल रहा है, वैसे उतनी बारिश होती नहीं है, फिर भी देखो हो सकती है बारिश, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एवरेज स्कोर 160-170 रन है और पिछले 5 मैचों में 70 विकेटें गिरी हैं, 53 विकेट तेज गति के बॉलर्स व 17 विकेट स्पिन बॉलर ने निकाला है। तो अगर कोई तेज गति का बॉलर भाई 5 विकेट निकाल रहा है ना, तो उसके जवाब में एक स्पिनर एक ही विकेट निकालेगा, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि तेज गति के बॉलर जो हैं वो स्पिन बॉलर के कंपेयर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उन पर पहले फोकस करना है। अब देखो वेन्यू पे कुछ टॉप परफॉर्मर खिलाड़ी की बात करते हैं, तो तिलक वर्मा 3 मैच खेले हैं ऑन एन एवरेज 37 रन इस वेन्यू पे करते हैं, के नीतीश कुमार रेड्डी 1 ही मैच खेले हैं ऑन एन एवरेज 37 रन करते हैं, अभिषेक शर्मा 5 मैच में ऑन एन एवरेज 35 रन करते हैं। बॉलिंग से रेड्डी 1 मैच में ऑन एन एवरेज 2 विकेट निकालते हैं, वरुण चक्रवर्ती भी एवरेज 2 विकेट निकालते हैं, मुस्तफिजुर रहमान 5 मैच में एवरेज 1 विकेट इस वेन्यू पे निकालते हैं। अब देखो रिसेंटली मैचेस की बात की जाए जो कि इस वेन्यू पे खेला गया है, इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच था भाई, हाई स्कोरिंग मैच था, 200+ इंडिया की टीम बनाती है जो कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम विन कर लेती है भाई, 5 विकेट पेसर मात्र 2 विकेट स्पिनर, फिर यहाँ पे एक लो स्कोरिंग मुकाबला 148 इंडिया की टीम बनाती है, साउथ अफ्रीका की टीम अगेन इसको चेस करती है, 4 विकेट पेसर व 4 विकेट स्पिनर, अगेन देखो 200+ का आंकड़ा वाला मैच होता है जो कि इंडिया की टीम बनाती है, न्यूजीलैंड की टीम इसको विन नहीं कर पाती और बहुत बड़ी जीत इंडिया की टीम अंकित करती है, जहाँ पे 4 विकेट पेसर व 6 विकेट स्पिन बॉलर को मिलता है। अब देखो न्यूजीलैंड की टीम 153 बनाती है, इंग्लैंड की पूरी मतलब 159 बना के टीम इस मैच को विन करती है, 3 विकेट खो के, 6 विकेट पेसर 4 विकेट स्पिनर। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे देखोगे 200 बना, यहाँ पे 200 बना, फिर यहाँ पे लो स्कोरिंग हो गई, यहाँ पे भी एवरेज सी स्कोरिंग हो गई, तो इसके बेस पे 170-160 यही हम लोग फिलहाल मान के चल सकते हैं। बाकी जो मैंने कहा कि 5 विकेट अगर तेज गति के बॉलर निकालेंगे तो जवाब में 1 विकेट स्पिन बॉलर निकालेगा, तो उस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है। बाकी हाँ देखो टॉस के बाद की जो भी अपडेट आएगी मैं आफ्टर टॉस आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है भाई, आप वहाँ पर भी ज़रूर आ जाना। अब देखो जब दोनों टीम आपस में खेलती है तो कुछ टॉप परफॉर्मर खिलाड़ी जो कि हेड टू हेड के बेस पर नंबर में आपके सामने रख रहा हूँ, हार्दिक पांड्या 4 मैच में 101 रन 6 विकेट भी इनके नाम है, हर्षदीप सिंह 4 मैच में डायरेक्ट 8 विकेट, मतलब ऑन एन एवरेज बांग्लादेश के विरुद्ध ये 2 विकेट निकालते ही निकालते हैं, सीबीसी के प्रबल दावेदार खिलाड़ी हैं। लिटन दास 8 मैच में 170 रन 60 हाईएस्ट स्कोर है, नजमुल हसन सैंतो 3 मैच में 88 रन 40 हाईएस्ट स्कोर है। ज़रा एक नज़र हम लोग प्लेयर्स बैटल पर भी डाल लेते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किसके विरुद्ध फंसता है, यादव को सूर्य कुमार यादव की बात कर रहा हूँ, तंजीद हसन साकिब ने एक बार आउट किया, रहमान ने भी एक बार आउट किया, ग्रैंड लीग में बहुत काम आता है प्लेयर्स बैटल, दुबे जी को हुसैन ने एक बार, रिशाद हुसैन की बात कर रहा हूँ, मोहम्मदुल्ला बॉलिंग किए 7 गेंद लेकिन आउट नहीं कर पाए, हार्दिक पांड्या को रहमान ने आउट नहीं किया, हार्दिक पांड्या ने इनके विरुद्ध रन भी अच्छा खासा किया है, तंजीद हसन शाकिब 6 गेंद फेंके हैं मतलब एक ओवर हार्दिक खेले हैं, इनका आउट ये नहीं कर पाए, तो इसी प्रकार सामने से बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, फिर इंडिया के बॉलर से आप इनका हेड टू हेड का मतलब प्लेयर्स बैटल देख सकते हो। हेड टू हेड जब रिसेंटली कुछ मैचेस खेले गए हैं तो कौन से टॉप परफॉर्मर खिलाड़ी होते हैं दोनों साइड के तरफ से, ये पिछला मैच है जो कि इंडिया की टीम विन करती है, मेहदी हसन मिराज के 35 रन 1 विकेट, नजमुल हसन सैंटो के 27, मुस्तफिजुर रहमान के 1 विकेट, हार्दिक पांड्या 39 रन 1 विकेट, सूर्य कुमार यादव के 29, संजू के भी 29, अर्षदीप सिंह वरुण चक्रवर्ती 3-3 विकेट, बाकी मयंक अग्रवाल वाशिंगटन सुंदर के 1-1 विकेट थे। इससे पहले के मैचेस देखते हैं, अगेन देखो हार्दिक का नाम अर्षदीप का नाम रिपीट हो रहा है, फिर सामने से रिशाद हुसैन अच्छा परफॉर्मेंस है, नजमुल हुसैन सैंटो हो गए, तंजीद हसन साकिब हो गए, नीचे आइएगा अगेन देखो हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव अर्षदीप सिंह फिर मोहम्मदुल्ला शरफुल इस्लाम और मेहदी हसन है, फिर नीचे आइएगा अर्षदीप सिंह अर्षदीप सिंह, फिर नीचे आइएगा सूर्य कुमार यादव अर्षदीप सिंह हार्दिक पांड्या, फिर यहाँ पे लिटन दास के 7 है, नजमुल हुसैन सैंटो की 21 रन है। तो पिछला मैच का डेटा तो मैंने दिखाया ही, उससे पहले भी जो 3-4 मैचेस खेले गए हैं उसका भी डेटा आपके सामने रख रहा हूँ, हार्दिक पांड्या अर्षदीप सिंह सूर्य कुमार यादव ये जो कुछ खिलाड़ी हैं सामने से नजमुल हुसैन सैंटो, इन पे आप लोगों को थोड़ा फोकस करके चलना है। बाकी दोनों टीमों का रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, बांग्लादेश का उतना अच्छा नहीं है, इंडिया की टीम का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है भाई, और विजेता टीम है भाई, T20I विजेता टीम है। और अब देखो इंडिया के तरफ से मतलब ओवरऑल सेफ स्मॉल लीग के CVC की बात करते हैं, हार्दिक पांड्या अर्षदीप सिंह सूर्य कुमार यादव अभिषेक शर्मा, ग्रैंड लीग में मयंक यादव वरुण चक्रवर्ती संजू सैमसन मेहदी हसन मिराज को बना के चल सकते हो। बाकी चलो देखते हैं आज के मैच से रिलेटेड हमारी क्या कुछ फैंटेसी टीम बन के रेडी हो रही है।
तो देखो स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देखकर समझ के चीजें यहाँ पे आ रही होगी, तभी जो चीजें मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वीडियो को फुल वॉच करके जरूर आइएगा। बाकी देखो आज के मैच में जो भी चेंज होगा आफ्टर टॉस मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जरूर चेक कर लेना, लिंक वर्क ना करे तो सिंपली से टेलीग्राम पे जाके ना Cricket2580 लिख करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, पहले डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लेना। अच्छा मैं ये कह रहा था जो पिछला मैच खेला गया था ना भैया, एक बार अपनी टीम का पॉइंट चेक कर लेना और किसी भी एक्सपर्ट को आप लोग फॉलो करते हो उसके टीम का पॉइंट चेक कर लेना। 785 पॉइंट था, एक अभिषेक शर्मा को छोड़ दिया जाए तो सारे खिलाड़ी अपने ड्रीम टीम में थे। ये स्मॉल लीग की टीम का करिश्मा है भाई, जहाँ पे सेम स्मॉल लीग की टीम से अगर हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह अगर आपने CVC किया होता तो ग्रैंड लीग में भी बहुत अच्छी रैंक लाते। तो देख सकते हो आज भी अगेन विन करना चाहते हो तो यहाँ पे जरूर रहिएगा। विकेट कीपर में संजू भैया को मैं ट्राई करके चलूंगा, लिटोन का विकल्प है, आप चाहो तो ले सकते हो। इंडिया के ही खिलाड़ियों पे ज़्यादातर आपको फोकस करके चलना है, बाकी सूर्या अभिषेक। अब देखो टॉप थ्री ये जो है ना, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो टॉप थ्री चेजिंग में भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बैट में भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर का जो ओवर है वो रेड्डी से कट सकता है या तो फिर हार्दिक का भी ओवर कट सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हार्दिक हेड टू हेड में जो मैचेस खेले जाते हैं हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, प्लस स्मॉल लीग में तो लोग इनको CVC करेंगे, तो ऐसे सेफ्टी पर्पज से तो टीम में ज़रूर रखना है, ड्रॉप करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये जो कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे ये 7 खिलाड़ी हैं ना, ये आपको 100% अपनी टीम में लेके चलना है। अब देखो सुंदर और रेड्डी में हो सकता है, जो पिछले मैच में हुआ उसी के बेस पे बता रहा हूँ कि ओवर डिवाइड हो सकता है। मान लो दो दो ओवर दोनों कर रहे हैं, अगर बैटिंग पोजीशन के बाद किया जाए तो रेड्डी का ऊपर है तो फिर रेड्डी ज़्यादा सेफ हो जाएंगे, तो इनको हम लोग ट्राई कर लिया जाएगा फर्स्ट इनिंग के बैट में, ठीक है। बाकी देखो जो बांग्लादेश की टीम है अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल करेगी तो इनके जितने भी डेथ के बॉलर हैं, जैसे ये तीनों जो डेथ के बॉलर हैं, तास्किन अहमद हो गए, रहमान हो गए और यहाँ से इस्लाम हो गए, इन तीनों को लेके चलूँगा, बिकॉज ये 4-4 ओवर मतलब 12 ओवर कंप्लीट करेंगे और भाई एक एक दो दो विकेट भी निकाल देंगे ना बहुत बढ़िया काम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बैट्समैन पे मुझको भरोसा नहीं हो पा रहा है। देखोगे मात्र 16% 7% लोग टीम में ले जा रहे हैं, भाई ग्रैंड लीग जिताने वाले ये खिलाड़ी रहने वाले हैं। अब देखो इफ बांग्लादेश बैट फर्स्ट, यहाँ से मेहदी हसन मिराज, फिर रिशाद हुसैन का विकल्प है, इनको ले सकता हूँ, बाकी यहाँ पे कोई एक बॉल, हाँ रहमान को हटाऊंगा, फिर हाँ यहाँ से मैं नजमुल हसन सेंटो या हरिद्वार में से किसी एक को ले सकता हूँ। फिलहाल तो देखो मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन को लेके चल रहा हूँ, मोहम्मदुल्ला बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं भाई ग्रैंड लीग में, इनको ज़रूर CVC कर लेना है आप एक टीम में, ठीक है, क्योंकि बैटिंग ये किसी भी इनिंग में करें बैटिंग आनी चाहिए, हार्ड हिटर बैटर हैं। बाकी अभी के लिए चाहो तो एक बॉलर अपने टीम में बढ़ा सकते हो, मैं फिलहाल रहमान को एक्सपीरियंस के बेस पे लेके चल रहा हूँ। CVC की बात करते हैं, देखो प्रॉपर 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, अर्शदीप सिंह मेरे कैप्टन रहेंगे। वाइस कैप्टेंसी की बात करते हैं तो मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे यहाँ से सूर्य कुमार यादव, आप चाहो तो हार्दिक भाई को दे सकते हो, ठीक है। फिलहाल कुछ इस प्रकार की टीम बनकर रेडी हो रही है, जहाँ पे देखिएगा कैप्टन रहेंगे अर्शदीप सिंह, वाइस कैप्टन रहेंगे यादव जी, बाकी जो भी टीम का प्रीव्यू आप यहां से देख सकते हो और फाइनल टीम आफ्टर टॉस आप लोगों को टेलीग्राम पे पता चलेगा। अच्छा देखो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं आपको बताता चलूँ क्या करना है आप लोगों को, दो एप्लीकेशन होगा चॉइस 11 बूम 11, दोनों पे साइन अप कर लेना, नो TDS नो GST, बिल्कुल मुफ्त एप्लीकेशन है, मज़ा आएगा यहाँ पे खेलने में। बाकी हाँ वीडियो को लाइक करना, जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा सा कमेंट करेंगे वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।